दादा, ये जो माता जी का कालपाल माता जी का मंदिर है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे बना, कैसे क्या हुआ? भैया बारे में यहाँ भैया हमारे पुरखा लोग नहीं जानते, पुरखा लोग नहीं जानते, ठीक है। और ये सब कहते हैं कि ये धरोहरगढ़ है, तो देवताओं का बनाया हुआ है, जो पर पीढ़ी वगैरह पर पीढ़ी के हिसाब से बना। यही कहते हैं बाबा लोग बता रहे थे, ये रातों रात देवताओं ने बनाया था, रातों रात देवताओं ने बनाया था। यहाँ से लगा के उस वाले मंदिर तक, जहाँ से अभी हम लोग पहले होके आए हैं, वहाँ से लगा करके यहाँ माता जी के मंदिर तक एक सुरंग गई है। और यहाँ पर जो है कुआं है, पुरातत्व विभाग है जी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा निकलता रहता है जो भगवान के होने का, और गिलास वगैरह और माटी जो है परिवारिक वाली जो जी जी वो पुराने जमाने की। तो दादा जी का कहना ये है कि यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे कि माता जी की मूर्ति हो गई, माता जी की कंगन हो गए, लाइक ऐसा ही कुछ हमेशा निकला करता है। अच्छा, तो वो पुरातत्व विभाग के पास जाता है, फिर होकर के पुरातत्व विभाग को चले जाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। दादा थोड़ा अंदर चलिए, हमको इंट्रोड्यूस करा दीजिए कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, माता जी का मंदिर। तो दादा यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, पूजा अर्चना होती है, कथा भागवत होती है जी जी, और हर महीने में रामायण वगैरह चलती रहती है जी। तो दादा ये जो भगवान की मूर्तियाँ है, ये कुछ खंडित है या फिर कुछ कटी पीटी, इसका क्या तात्पर्य है? ये बता रहे थे पुराने मुस्लिम, ये मुस्लिम दादा जो अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने मुस्लिम शासन। अच्छा अच्छा, ये मुस्लिम शासन से। तो यहाँ पे जो पुरानी टूटी फूटी मूर्तियाँ या भगवान जी की कटी फटी मूर्तियाँ हैं, इन्हीं की पूजा अर्चना होती है, और यहाँ पे पूरा गांव इन्हीं की वजह से सिक्योर भी एक तरह से, और मनोकामना भी पूरी होती है। यहाँ पे कोई भी मनोकामना मांगो लेके आओ, बात हृदय से कह दो जी जी जी। एक दफे ये मूर्त किसी ने चुरा ले गया था, सफेद वाली जो रखी है। अच्छा अच्छा, ये वाली मूर्त को चुरा ले गया, कार से आए थे जी, उसने अपने घर में कहा हम लोग पूजा अर्चना करेंगे जी जी, लेकिन वहाँ पर उनका फिर जो है परेशान कर, नुकसान हुआ, परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए वो, फिर वापस ले, मतलब चोरी का फल उन्हें मिल गया। और जी थोड़ी सी बात हम बता रहे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मूर्ति रखी है जी, वो ये मूर्ति एक वहाँ पे किसी मंदिर के ग्राउंड में थी, नीचे जी नीचे खेत जोत रहा था किसान जी, और वो तीन बार उसमें टकराई, तीन बार टकराई, फिर उसको क्या किया जी, उसको उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया, कोई पत्थर है क्या है हमको जोतने के लिए फेंक दिया, और फिर क्या हुआ वो फिर आई, फिर टकरा गई, फिर टकरा गई, तब उनको समझ में आया क्या मतलब, तब देखा कि मूर्ति खोया लाए तो यहाँ रख दिया, और फिर उस जो फेंका था मूर्ति उसको ढूंढते गए गायब हो गई, वो जो ढूंढने गए वो गायब हो गई, और ना यही मूर्ति फिर एक मिली, एक ही नहीं। तो अंकल जी का कहना ये है कि एक मूर्ति, एक किसान जो था वो ट्रैक्टर से अपना बैल से अपना खेत जोत रहा था, वहाँ पे उसको बैल खेत जोतते जोतते उसको चार बार उसके टकराई, जो कि मूर्ति यहाँ पे रखी है, मौजूदा मूर्ति है जी, मूर्ति है वो चार बार टकराई, फिर उन्होंने क्या किया किसान ने, उस मूर्ति को उठा के फेंक दिया, पत्थर समझ के, कंकड़ समझ के, पत्थर समझ के फेंक दिया, और फिर वही मूर्ति उनके हल में फिर से टकराई, और फिर जब उन्होंने देखा धोया तो माता जी की मूर्ति थी, जो कि अभी भी यहाँ पे स्थापित है, कन्हैया जी की मूर्ति है जी, कन्हैया जी की मूर्ति है जो यहाँ पे अभी भी स्थापित है। तो ऐसा माता जी का सच्चा दरबार है यहाँ पे, जो भी गाँव वालों का कहना है, जो भी मांगो, जो भी श्रद्धा से मांगो वो पूरा होता है, सबकी गाँव वालों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ मांगूंगा जरूर भगवान से, बिल्कुल कामना पूरी हो गया जी जी दादा। तो यहाँ पे ये पोस्टल का मतलब ये जो भी यहाँ खेत
जो आराधना करते हैं प्रतिनिधि वगैरह जो हैं तो इनसे मांगते हैं, वही उनको माता जी 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 अपने घंटे मांग लिए और कोई कुछ मान लिए। तो दादा मतलब यहाँ पे कोई मंदिर भी बनवाया भी नहीं गया, कोई बात नहीं बताई जाती, हो सकता है यहाँ पे इतना पुराना मंदिर दसवीं शताब्दी की बात है, दसवीं शताब्दी की बात है, गांव भी ना हो बिल्कुल नहीं होगा, खेती होगा पूरा पता जंगल था, हाँ जंगल था, गांव तो बाद में आया, गांव तो अभी आया, दसवीं शताब्दी जिसमें इतिहास मिल रही है, कोई बात नहीं लिखा है दसवीं शताब्दी, जी 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 अभी मैंने बोर्ड देखा, बोर्ड में पढ़ के देख लिया दसवीं शताब्दी की, जी 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 इसकी कलाकृति से आंकड़ा लगाया गया। अच्छा 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 ಸೌರತ್ತಿಗಂತ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮೋದ ಮಾನ ಮಾನಸಿ ಆಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣಿ ನಿರುದ್ಧ ದರ್ದರಾಪತಿ ಕ್ವಚಿತ್ತಿ ಗಂಬರೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮೇ ತು ವಸ್ತುನಿ ಶಿವ 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 ಶಿವ